का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं पवन मुक्तासन सीरीज की 11वीं कड़ी। आज इस 11th एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं पूर्ण तितली आसन, फुल बटरफ्लाई पोज। मुझे उम्मीद है हमारे 10th कड़ी आपने देख लिया होगा, जिसमें अर्ध तितली आसन है। तो इस पूर्ण तितली आसन का प्रमुख मकसद, मूल उद्देश्य है अपने शरीर को, स्पेशली लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को मेडिटेटिव पोज में तैयार करने के लिए। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो मेरा वादा है मित्रों, आप इस पूर्ण तितली आसन का नियमित अभ्यास कीजिए। अगर संभव हो तो सुबह में भी कीजिए और शाम में भी कीजिए, जब भी आपको समय मिलता है कीजिए, और फिर देखिए आप कैसे पद्मासन में बड़े ही आराम से आधा घंटा तक भी बैठ सकते हैं। तो यह पूर्ण तितली आसन मुख्यतः आपके हिप ज्वाइंट को, नी ज्वाइंट को, एंकल ज्वाइंट को, हमारे टोज के ज्वाइंट्स को, इन चारों ज्वाइंट्स को प्रिपेयर करता है फोल्डेड कंडीशन में प्रोलॉन्ग समय तक रहने के लिए। मित्रों, यही वो आसन है पूर्ण तितली आसन, जो कि आपके काफी लंबे समय तक, अगर आप घूमते रहते हैं, खड़े रहते हैं, आपके पैर में दर्द हो जाते हैं, उन सभी दर्दों से भी यह निवारण देगा। तो आइए हम सीधा करते हैं पूर्ण तितली आसन, और इसे हम ब्रीदिंग से सिंक्रोनाइज कर नहीं रहे हैं, क्योंकि यह इतना जल्दी जल्दी होता है आप ब्रीदिंग से कर नहीं सकते। तो आप इस अभ्यास के दौरान ब्रीदिंग सामान्य, नॉर्मल ब्रीथ लीजिए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं इसे प्रारंभिक स्थिति से ही, जिसे हम बेस पोस्चर भी बोलते हैं। हम अपने दोनों पैरों को सीधा कर, घुटने को सीधा रख के, अपर पार्ट ट्रंक को सीधा रख, गर्दन को सीधा, सर को सीधा, ये तीनों स्टेट हम अपने दोनों हाथों से यहाँ सपोर्ट ले सकते हैं। एक इनहेल और एक्सहेल कीजिए। यह हमारा प्रिपेरेटरी पोज है, स्टार्टिंग पोज है। अब इसके बाद हम यहाँ अपने दोनों पैर को मोड़ेंगे, और यहाँ पेरिनियम एरिया, जो ग्रॉइन एरिया मित्रों, यहाँ पर दोनों पैर को लेके आ जाएंगे जितना करीब हो सकता है, जितना करीब पेरिनियम लाइए, और दोनों तलवों को अपने दोनों हाथों से क्लास्प कीजिए, और एक सेट में मिनिमम 30 टाइम्स इसे ऊपर उठाइए दोनों घुटने को, और जमीन में सटाइए। कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, आपका अपर पार्ट सीधा आप इस तरह से कर सकते हैं। यहां देखिए, आपको सीधा आगे की ओर दिखाता हूं, ये देखिए आपका ये दोनों हिल है, ग्रॉइन एरिया में सटते रहे प्रेनियम में, दोनों तलवों को आप क्लैस्प कीजिए, मजबूती से पकड़िए, और घुटनों को उठाइए एक साथ, और यहाँ नीचे कीजिए जितना उठ रहा। इसमें गति नहीं देना मित्रों, स्पीड नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए रेंज ऑफ मोशन, आप कितना ज्यादा ऊपर उठा रहे हैं और कितना ज्यादा नीचे कर रहे हैं। मित्रों, किसी भी योगासन में हमें रेंज ऑफ मोशन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि तभी हमारे ब्लड को उस अंग तक, उस प्रत्यंग तक खून को पहुंचने में समय लगता है। जब हम धीरे धीरे करते हैं तो खून वहां पहुंचता है, और तभी वास्तविक लाभ हमारे शरीर को मिलता है। तो इस तरह से आप बड़े ही आराम से अपर पार्ट को सीधा रखते हुए, आप आंखों को बंद भी रख सकते हैं, आप बड़े आराम से इस तरह से इसे प्रयास कीजिए जितना अंदर की ओर हो, और यहाँ अपर पार्ट को स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, सर सीधा, ऐसे ऐसे आप करते रहिए। यह है हमारा पूर्ण तितली आसन, फुल बटरफ्लाई पोज। इससे आप न कि मेडिटेटिव पोज के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने अपर पार्ट पर भी काम कर रहे हैं। और मित्रों, किसी भी योगासन जब आप सकारात्मक भाव से कर रहे हैं, तो आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचरण प्रवाह
प्रारंभ हो जाता है और तब आप कई तरह के डिप्रेशन से, झुंझलाहट से, कुढ़न से, दुख से, विषाद से, सब से दूर हो जाते हैं। तो यह हमारा है पहला वेरिएंट पूर्ण तितली आसन का। इसी का मैं दूसरा वेरिएंट दिखा रहा हूँ। इसमें से दोनों में से जो भी आपको फायदा लगे उसका चुनाव आप कर सकते हैं, निर्णय आपके हाथ में है। इसके लिए भी हम प्रारंभिक स्थिति में आ गए। अपने दोनों पैरों को बारी बारी से करके यहाँ ले आए, इसे प्रीमियम में दोनों हिल को सटा देंगे ग्रॉइन तक। अपने दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे पूरा स्ट्रेच होके, सीधा होके, और यहाँ से दोनों को दबाएंगे। कोशिश करना है ये दोनों जुड़ी रहे और इसे ग्राउंड तक ले जाना है। यहाँ फोर्सफुल दीजिए पर पेन फॉलो नहीं, फोर्सफुल होना है, अपने शरीर को पेन नहीं देना। योगासन का पहला लाइन ही स्थिरम सुखम, आप अपने शरीर को बड़े ही सुखमय स्थिति में रखते हुए ही कीजिए और तभी फायदा होगा और तभी आप लंबे समय तक कर भी सकते हैं। इसे आपको अंदर की ओर रखना है ताकि ये नी पर पड़े, आपके इनर थाई को यह ओपन कर रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ स्ट्रेच आ रहा, यहाँ फोर्सफुल हाथ से कीजिए, इसे स्ट्रेट रखिए, अंदर की ओर रखिए अपर बॉडी। थोड़ा सा ये चुनौतीपूर्ण है, आपसे अगर हो पा रहा कीजिए और प्रयास कीजिए। 10 times कम से कम इसे जरूर कीजिए दोनों में से कोई भी। ये है हमारा पूर्ण तितली आसन। मुझे उम्मीद है आपने काफी कुछ देखा, सीखने का प्रयास किया और मेरे साथ अभ्यास भी कर रहे होंगे। और अगर अभ्यास कर रहे होंगे तो मैं शुभकामना देता हूँ कि इसके सारे लाभ आपको मिले। आप नियमित अभ्यास कीजिए, आप हमारे साथ बने रहे। इसके लिए मैं नरेंद्र कुमार आपको सप्रेम धन्यवाद देता हूँ और फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे।